अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक मुस्लिम और ईसाई का सफ़र कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो सुनिए, एक बार की बात है, एक मुसलमान और एक ईसाई दोनों सफ़र के साथी बने, क्योंकि दोनों को एक ही मंजिल पर जाना था। लिहाजा उन्होंने सोचा कि इकट्ठे सफ़र अच्छा गुजरेगा। अभी मंजिल पर पहुंचने में 2 दिन बाकी थे। दोनों का सफ़र में खाने का सामान खत्म हो गया। दोनों आपस में सोच विचार करने बैठे। मुसलमान ने मशवरा दिया कि एक दिन आप दुआ करें कि हमें खाना मिले, दूसरे दिन मैं दुआ करूंगा कि खाना मिले। ईसाई ने कहा, पहले आप दुआ करें। लिहाजा मुसलमान ने एक तरफ होकर अपने परवरदिगार से दुआ मांगी। तो थोड़ी देर में एक आदमी गर्म गर्म खाने के तस्त लेकर आ गया। ये देखकर मुसलमान बहुत खुश हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत रख ली। खाना खाकर दोनों चैन की नींद सो गए। दूसरे दिन ईसाई की बारी थी। वह देखने में बड़ा सुकून में नज़र आ रहा था। उसने एक तरफ होकर दुआ की। थोड़ी देर में पहले दिन से दुगना खाना आया। ईसाई की खुशी की हद न रही। मुसलमान दिल ही दिल में बहुत परेशान हुआ। उसका जी नहीं चाहता था कि खाना खाए। उसे उदास देखा तो कहने लगा, आप खाना खाएं तो मैं आपको 2 खुशखबरियां सुनाऊंगा। जब खाने से फारिग हो गए तो मुसलमान ने पूछा कि बताएं क्या खुशखबरी है। ईसाई ने कहा, पहली खुशखबरी तो यह है कि मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ, और दूसरी खुशखबरी यह है कि मैंने यह दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, अगर इस मुसलमान का आपके यहाँ कोई मकाम है तो आप खाना अता फरमा दें। लिहाजा अल्लाह ताला ने खाने के 2 तस्त आपके इकराम की वजह से अता फरमाए। आशिक हाजिस की अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी कद्र व कीमत होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।